हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जेई मीन्स का जो क्वेश्चन सीरीज है वो हम कंटिन्यू किए हुए हैं। तो जो 24th की मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन हुए थे, क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री के अंदर से हमने क्वेश्चन उठाया फर्स्ट नंबर। तो यहाँ कंपाउंड एक्स ने रिएक्शन की और उससे मुझे इलेक्ट्रॉन मिला, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपसे वो एक्स के बारे में जानना चाहते हैं, एक्स है क्या। तो थोड़ा सा आइडिया अगर आपको एल्ड कीटोन चैप्टर का होगा तो आपको पता होगा बेसिक मीडियम में दो ही रिएक्शन प्रोसीड करते हैं हम लोग, या तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा या केनिजीरो होगा। तो देखो, केनिजीरो होने के चांसेस सिर्फ ये दे सकता है, बाकी केनिजीरो ना तो ये देगा ना ये देगा ना ये देगा, क्योंकि वहां अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली 75% यहां एल्डोल कंडेंसेशन के चांस है। तो मैंने क्या किया, सेकेंड को काट दिया और फर्स्ट स्ट्रक्चर को यहां लिखकर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवाई। जब मैं फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवा रहा हूं तो मेरे पास एल्डोल कंडेंसेशन होने के बाद ये वाला एच यहां मूव करता है, आपको एल्डोल कंडेंसेशन कंफर्म होगा। लो जी, अब जो आपके पास ये एक एल्डोल बना, इस एल्डोल का फर्दर रिएक्शन करवाया हमने केसीएन एक्वस, मतलब एचसीएन से रिएक्शन हुआ, जो कि आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते हैं। तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो गया, साइनोहाइड्रिन का फर्दर हाइड्रोलाइसिस हुआ, तो इस जगह पे सीओओएच का फॉर्मेशन होगा। तो अगर आप चेक कर पाए तो मेरे पास एक कार्बन पे दो मिथाइल ऑलरेडी CH2OH, और यहां OH और यहां COH है। अब क्या होगा फाइनल स्टेप के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बनाना है हम लोगों ने, तो इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए आपके पास इधर का एक एल्कोहल ग्रुप, इधर का एसिड ग्रुप एक दूसरे से कंबाइन होंगे। तो एसिड अपना OH ड्यूरिंग द एस्टरीफिकेशन, एल्कोहल अपना एच ड्यूरिंग द एस्टरीफिकेशन देते हैं। तो अगर आप ढंग से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस बात को, तो कहीं ना कहीं एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है और उस कार्बन के पड़ोस में OH लगा हुआ है, उसके जस्ट अड़चन में दो मिथाइल लगे हुए हैं, एंड देन आफ्टर आपके पास ओ ज्वाइन कर रहा है। तो हमें बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के फर्स्ट आंसर यहां दिखेगा, पहला रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन है, फिर साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन है, एंड देन आफ्टर हाइड्रोलाइसिस है, क्लियर, और फिर आपके पास एस्टरीफिकेशन है। तो अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको माना जाएगा। तो हमारे वाइट रे इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, नीचे बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको हर नोटिफिकेशन के बारे में इमीडिएटली पता चलता रहे। थैंक यू टू वॉच द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि जेई मेन्स 2023 24 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट का था। थैंक यू।